ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, 20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਸਾਡੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ। ਕੋ ਰਾਮ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਰ ਆਜ ਫਿਰ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ, ਨਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਜ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਯਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਈ ਹੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਆਪ ਲੋਗ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਸੇ ਜੁੜਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਜੋ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਵੋ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਏਜੰਟੀ ਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਹੈ ਲੋਗੋ ਕੀ ਉਮੀਦੋ ਪੇ ਖੜਾ ਉਤਰਨਾ, ਵੋ ਹੈ ਲੋਗੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਵੋ ਹੈ ਲੋਗੋ ਕੇ ਦਿਲੋ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਲੋਗੋ ਕੀ ਦੁਆਓਂ ਲੈਣਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਹੋਇਆ ਅਫਰੀਕਾ, ਲਗੇਗਾ ਲੰਗਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਮਿਸਟਰ ਜੋਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੇ ਹੈ। ਇਨਕਾ ਵੀ ਯੂਕੇ ਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਡੇਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ आम इंसान है, मिडिल क्लास से प्लम्बर का काम करते हैं। आज जहां दिहाड़ी मिली काम कर लिया, कल दिहाड़ी नहीं मिली बेलने हैं। किसी तरह का इनका कोई फौजदारी नहीं है, किसी तरह की कोई वकीलदारी नहीं है, कबीलदारी नहीं है, किसी तरह से कोई लाखों करोड़ों की जमीन जायदाद नहीं है, किसी तरह का कोई इनका बैंक बैलेंस लाखों रुपया नहीं है। लेकिन फिर भी यूके का वीजा मिला। कौन से डॉक्यूमेंट लगे, कौन से पेपर लगे, क्या लगा क्या नहीं लगा, ये सिर्फ अपने आप ये चीज़ें आप लोगों के लिए बताएंगे। और ये चैनल इसलिए चीज़ें प्रेजेंट करता है कि जो लोग बोलते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं आता है, बहुत गलत बात है, अपने आप को खुद भी मोटिवेट करते हैं। जो कहते हैं मेरे नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पापा के नाम है, अरे पापा तो उसका ही है ना, तो प्रॉपर्टी भी उसकी ही होगी, कौन सा बेदखल कर दिया उसका। और उनको वैसे भी यूके वालों को प्रॉपर्टी वगैरह या कनाडा वालों को मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी नेटवर्थ देखते हैं कि आप यहाँ कितना वेल सेटल्ड हो। चलो एनीवे, आपकी मीट कराता हूँ मिस्टर जोरी जी। हाँ जी जोरी साहब, सब तो पहला सारे ने सत श्रीकाल जी, मेरा नाम जोरी कपूरथले तो मैं PDU की बैकसाइड पर है, मेरा बड़ा छोटा जी है जी। जिदा कह दिए भी खुशी का कोई टिकाणा नहीं गा भी मेरे को अज यूके का वीज़ा आया, कोई खुशी का टिकाणा नहीं गा, मेरे कोई पेपर बाद स्ट्रोंग नहीं सी। मैं ऑलरेडी एक प्लम्बर हाँ, घर घर काम करने वाला, 200-400 हद 500 रुपये वाला, ठीक है जी। मेरे तो कोई बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं सी, बहुत घट बैंक बैलेंस सी, मेरे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, मेरे फादर साहब तो प्रॉपर्टी सी, कोई एड्डी ज़्यादा असी मिडल क्लास तो बिलोंग करते हैं, कोई साढ़े को जमीन जायदाद कुछ नहीं सी, एडा सिर्फ एक ड्रीम सीगा, मन दे विच इच्छा सी भी वधिया कोई बंदा लभे जिहड़ा साडा वीज़ा लवा सके। असी चाहते सी कि ना कि सैटल हो जाइए, पर चलो परमात्मा ने सुनी आ, आशू सर की कृपा नाल अज बहुत ही वधिया सानू खुशी है, साडे यूके का वीज़ा अप्रूवल हो गया आ, बहुत ज़्यादा खुशी है, असं बंट नहीं सकते, इन्नी खुशी है साढ़े घरद्या भी, अज तीन साढ़े परिवार के नहीं कोई यूरोप के गया, अभी पहली बार असं जा रहे हैं। सानू बहुत ही जाने कि इन्हों चैनल के थ्रू इन्नी नॉलेज मिली है भी जी, असी जो बंटीए तो मेरे हिसाब न भी 24 घंटे भी थोड़े आ, अभी बंट नहीं सकते, इन्नी नॉलेज ये दे रहे सानू, इन्हों का बहुत बहुत थैंक यू, पूरी फैमिली का थैंक यू। आशू भारद्वाज, चैनल सबसक्राइबर करो, लाइक करो, शेयर करो, कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा थानू जी। सर एक गल दसो, छोटी सी एक बात पूछूंगा मैं आपसे, आप मुझे एक चीज़ बताना कि आपको क्या लगता है कि ये वीज़ा 10,000 में मिला है या 10 लाख 20 लाख बचा है? जी मैं सच्चाई दसा, किसी ने बिलीव नहीं करना, मैंने 10,000 च भी नहीं पिया, 10,000 तो भी घट पैसे च पिया, जो कि मैं अपने हथी एम्बेसी फीस दिती है, और कोई मेरा एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा, कोई पेपर नहीं, जो इन्हें मैंने डॉक्यूमेंट गया से मैं खुद रेडी किए, इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई जंटी वाला काम नहीं गया इन्हों का, जो सच्चाई आ मैं खुद पेपर सारे रेडी किए, सिर्फ इन्हें मैंने दसे आ भी आह पेपर अपने तैयार करो, जिदा जिदा इन्हें मैंने दसिया मैं उस हिसाब न आप पेपर रेडी किए हैं जी। सर एक गल दसो, तुम मैं जिस दिन पहली बार फोन किया या मेरे अपने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि मेरे 20 लाख बच गए जी सर, तो आपका वो कुछ बता रहे थे, आपके हम इससे मांगे गए थे कि आपने अगर इंग्लैंड जाना है तो 20 लाख दो। बिल्कुल सच्चाई आ, मेरे तो 22 लाख रुपया मंगया से, 20 लाख के बच्चे डील साड़ी एजेंट ना होने सी, जेडे कि मेरे तो पैसे है नहीं सी, जो सच्चाई आ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है जी। जो 20 लाख की गल हुई आ, आप सोची पै गया तो रात को बाबा सोचिए भी नहीं यार, अपने बंदे किसी तो वधिया तो ही वीज़ा लगवाइए जिहड़ा खर्चा ना हो। चलो 4 सालों तो मैं सर उन्होंने कंटैक्ट के मेहनत की, हौली हौली जिदा डाकूमेंट कही गए थे उस तरह तैयार किए, अज वो बदौलत मेरे तो यूके का वीज़ा आया जी। देखिए ये जो है अपनी फैमिली में वैल सैटल्ड हैं, खुश हैं, चाहे थोड़ा कमा रहे हैं लेकिन बहुत हैप्पी फैमिली है, माँ बाप हैं, भाई हैं, सब हैं। लेकिन हर किसी इंसान का शौक है कि यार मैं एक बार इस जगह पे जाके आऊँ, जैसे मुझे शौक है कि मैं दुनिया घूमूं, और मैंने घूम ली, अब मेरे दिल में कोई शौक नहीं है, अब मेरे दिल में सिर्फ एक शौक है कि मैं अपने हिमाचल में रहूं, मैं उस गाँव में रहता हूं जहां पे पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है, ये मेरे ये अपने घर मेरा नहीं है, वो सबका अपना भारद्वाज फैमिली जिसको मैं बोलता हूँ चैनल को, वो सबका घर है। ये 3 दिन पहले खुशी से पासपोर्ट उठा के एक्टिवा लेके कपूरथला से शाहपुर पहुंच गए, रीज़न क्या था? खुशी, अपनापन।
यहाँ कुछ लोग तो कि हमने नजरे क्या फेरी कमबख्त तुम तो बेगैरत हो गए, ये डायलॉग है। और इसलिए मैंने बोला है कि कुछ लोगों के यूके के वीजे डले थे भटिंडा की तरफ से, हम नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसको अभी वीजा आ चुका है फ्रेश पासपोर्ट पे, लेकिन उसको मैंने मुबारक देने के लिए या कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए फोन किया तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, जबकि मैंने अपनी जेब से पैसे लगा के उस बंदे के लेटर हेड तक बनवाए हैं। उसने सिर्फ एक 550 रुपया लेटर हेड देने के चक्कर में, पैसे देने के चक्कर में मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा यार इतना लाखों का काम मेरा जो है वो फ्री में कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, बट मुझे दुख नहीं है। ऐसे 550 तो मैं हजारों बार दूं, अगर मुझे मेरे साइंस जी दे ना तो मैं हजारों बार दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे खुशी होती है जब ऐसे लोग जब घर पे पहुंचते हैं, मेरी फैमिली से मिलते हैं, वो मेरी नहीं, बार बार मैं ये बोलूंगा, लेकिन वो मेरी नहीं है, वो अपनी फैमिली है, वहाँ पे बैठते हैं, बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपनी खुशी जो मिल के बांट के खाते हैं, मनाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं सिर्फ प्यार का भूखा हूँ, जो मुझसे प्यार से जुड़ेगा, दिल से जुड़ेगा, हज़ारों काम करवाएगा, मतलब से तो व्यापार ही चल सकते हैं, बाकी रिश्ते नहीं चल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है एक रिश्ते की तरह जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, आज ये आए हैं कल और आएंगे। तो जोर साहब लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे? जी लास्ट च यही कहूँगा, जिन्हें भी इतने काम करवाना आना है जै इन्हों के कॉन्टैक्ट है माता रूली ना जुड़े हो, प्यार ना जुड़े हो, दिलों जुड़े हो। जे तुहाडा ना काम होया मैनू सीधा फोन नंबर ला के, मैं फोन नंबर अपना बोल दिंदा, ला के मैनू गालां कढ लिओ, इन्हां नूं ना कुछ कहो, क्योंकि ये जिहड़ा काम करदे आ दिलों करदे आ, मतलब नाल किसे दा कोई काम नहीं हुंदा। जिन्ने जुड़ना दिलों जुड़ो, प्यार ना जुड़ो, जरूर फल मिलेगा, 100% गरंटी नाल कह रहे हैं गल। तो ये उत्तर नींद चंगी है तो पत्थर में भी परमात्मा प्रवेश कर जाता है, पत्थर से पानी आ जाता है, हमारी नीयत चंगी है। मैंने आपको फिर एक बार बोला है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लोग सोचते हैं घूमता कैसे, मैं खुद नहीं घूमता, मुझे घुमाते हैं लोग, मेरे सब्सक्राइबर, मेरी औकात वरना गोवा तक की नहीं है जो सच्चाई है, लेकिन मुझे लोग घुमाते हैं, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। ये सारी की सारी देन जो है आप लोगों की है। और मैं उस गाँव में रहता हूँ जहाँ पर रास्ता भी चलने के लिए नहीं है, लाइक डैट जो खेतों में बोर्ड बनी होती है ना भीड़, उसमें चल के हमारे खेतों तक जाना, घर तक जाना पड़ता है, जबकि मेरे घर के लिए पक्का रास्ता नहीं है, साइकिल जाने का रास्ता नहीं है। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझे खुशी होती है अपने गांव में जाके, मुझे कहीं खुशी नहीं मिलती है, लेकिन मुझे खुशी होती है लोगों के दिलों में बैठ के, मुझे यही खुशी है कि मरने के बाद मैं अपनी तस्वीर जो है ना, मेरी तस्वीर दीवार पर ना लटके, लोगों के दिलों में वास करे, बस इतनी बात है। कि जो एक मेरी वेबसाइट में भी लगा हुआ है कि मरने के बाद मैं दीवार पे लटकना नहीं चाहता हूँ, मैं मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। सो बस यही चीज़ है कि वीज़ा जो है 5-10 हज़ार रुपये का है, लाखों रुपये ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन बच्चों से भी, उन भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि माँ बाप को प्रेशर करके, प्रेशराइज करके, ज़मीनों पर गहने लेना, गहने पर पैसा लेना, लोन लेना, बेच बचा, एक काम छोड़ दो, घर का चूल्हा चौंका रोजी रोटी खराब मत करो, थोड़ी सी मेहनत करो 5-6 महीने और अपना वीज़ा लो और जाओ। ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करता है, करता था, करता रहेगा, लंगर चलता है बस। ये लंगर मैंने दे दिया नाम, मेरी औकात ड्राई फ्रूट लगाने की नहीं थी, तो मैंने नॉलेज का लंगर लगाया हुआ है, जिस जिसको खाना है खाओ और जिस जिसको जाना है जाओ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।